ब्रेड विश्राम। कोई भी व्यक्ति को खांसी बुखार या सर्दी जुखाम या सांस लेने में तकलीफ होती है, उस व्यक्ति को सुपरवाइजर को रिपोर्ट करे। सुपरवाइजर सेफ्टी वालों को बताएगा, डॉक्टर को बताएगा, एचआर को बोलेगा, उसके बाद ही उसकी लेना है या नहीं लेना है इसका फैसला एथर प्लांट के अधिकारी करेंगे। सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं देगा। चेकिंग पॉइंट के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार का आदमी, एम्प्लॉय हो या वर्कर, अधिकारी हो या ऑफिसर, विजिटर, कोरियर, सेल्समैन, ड्राइवर, कोई भी व्यक्ति अगर चेकिंग पॉइंट के ऊपर उसका टेम्परेचर 99.00F से ज़्यादा बढ़ता है, उस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं देना है। उसको 5 या 10 मिनट बैठा के रखना है, उसको मुंह हाथ धुलाना है, उसके बाद दोबारा उसका टेम्परेचर लेना है। फिर भी 99.00F से ज़्यादा होता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल सेफ्टी वालों को और डॉक्टर को देना है। अगर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और स्लिप बना के देते हैं और उसमें जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर एथर प्लांट के अंदर उसको एंट्री देगा, जाने की अनुमति उसको प्रदान करेगा। यस या नो? प्रेट सौदन, आप लोगों की ड्यूटी 8 बजे है, आपको 7:45 के ऊपर एथर प्लांट में प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आना है। मास्क, कैप, लेनियार्ड, बेल्ट और सेफ्टी शू और हाथ का ग्लोव्स हमेशा एथर प्लांट के अंदर ड्यूटी के दौरान पहनना है। कोई भी व्यक्ति दाढ़ी शेविंग करके आएगा, हेयर कटिंग करके आएगा, प्रॉपर अनुशासन और डिसिप्लिन से आएगा, कोई भी व्यक्ति अनुशासन को नहीं तोड़ेगा, अपनी ड्यूटी के दौरान नम्रता और प्रेम से बात करेगा। सिक्योरिटी गार्ड हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा, सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा, चारों तरफ निगरानी रखेगा। चेकिंग पॉइंट के ऊपर भीड़ भड़ाका नहीं करने देना है, हमेशा डिस्टेंस रखना है, दूरी हमेशा बरकरार रखना है। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा हर एक व्यक्ति को दूर दूर खड़े करना है, भीड़ भड़ाका जमा नहीं करना है। चेकिंग पॉइंट के ऊपर हर व्यक्ति लाइन से आएगा। प्रेड सैल्यूट डन, प्रेड ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट करो, जाइए जाइए आप।